देश के अंतिम छोर का रेलवेशन इन दिनों अपेक्षा का शिकार है। जहाँ कभी यहाँ दिन में 6 से 7 ट्रेन चलती थी तो काफी चहल पहल देखा जा सकता था, वहीं आज 1-2 ट्रेन छोड़ दे तो सभी ट्रेनें न्यस्त होने से स्टेशन वीरान से लगने लगा है। इसके लिए यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। नौतनवा से गोरखपुर के लिए या गोरखपुर से नौतनवा के लिए चलने वाले एक ट्रेन को छोड़कर बाकी सभी ट्रेनें बंद हो गई हैं, जिसको लेकर नौतनवा नगर के व्यापारियों सहित आमजन में काफी आक्रोश है। इस संदर्भ में हमारी टीम मौके पर पहुंचकर जिम्मेदारों से बात किया, वहीं यात्रियों से भी जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो नौतनवा रेलवे स्टेशन पे आप बता दें कि पहले काफी ट्रेनें थी, आज जो चूंकि 1 या 2 ट्रेन चल रही है, तो क्या कारण है और ट्रेनों की इस समय की रूटीन क्या है? ट्रेनें जो चल रही थी उसमें से 2 ट्रेनें अभी फिलहाल एक ट्रेनें बंद हैं फरवरी तक बंद किया गया है कोहरे की वजह से, और एक ट्रेन की फ्रिक्वेंसी में कमी की गई, जो पहले 6 दिन आती तब 4 दिन आ रही है, और बाकी जो ट्रेनें जो पहले चले वही चली रही है। सर डेली का क्या रूटीन है? डेली आपका जो है सुबह 6:05 पे जाती है पैसेंजर, उसके बाद आपको जाती है ये क्या नाम है दुर्ग जाती है शनिवार को 8:55 पे, और उसके बाद आपको शुक्रवार और रविवार को दुर्ग एक्सप्रेस जाती है 11:35 पे, और उसके बाद हफ्ते में 4 दिन इंटरसिटी एक्सप्रेस जाती है दोपहर के 3 बजे, और 4 दिन जाती है, 3 दिन कैंसिल रहती है हफ्ते में, उसका शाम में आपको 18:50 पे है पैसेंजर गोरखपुर के लिए। सर अगर जो पैसेंजर की बात करें, ट्रेन जो है गरीबों का ट्रेन कहा जाता है, एक नीचे तबके की जो है ट्रेनें लोग इसमें यात्रा करते हैं, तो पैसेंजर ट्रेन है वो दिन में कितनी ट्रेनें हैं यहाँ से? पैसेंजर आपकी एक वैसे देखा जाए एक सुबह एक शाम में, इसमें एक जो चलती थी 9:40 पे नकहा जंगल के लिए, वो फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है। नहीं, ये दोनों जो ट्रेनें जा रही हैं आपकी गोरखपुर तक जा रही है, जो नकहा जंगल तक जाती थी 9:40 पे वो निरस्त चली फरवरी तक। सर क्या कारण है यहाँ के जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं वो भी जो मांग की है ट्रेनों के लिए, कई सारे ज्ञापन भी आपको दिया गया? अब ज्ञापन दिया गया तो हमने अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको सूचित किया गया, और बाकी तो भाई उनको सूचित कर दिया गया, आप जैसा करें वो चलाना चाहिए, हमने भी कहा है उसे, देखिए कब उसका करते हैं। हम इस वक्त नौतनवा के रेलवे स्टेशन में मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि ये नौतनवा का रेलवे स्टेशन है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कस्बे का रेलवे स्टेशन है। आपको बता दें कि यह रेलवे स्टेशन ऐसा रेलवे स्टेशन है यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर एक अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल बॉर्डर पड़ता है, और जो आप चारों तरफ रेलवे स्टेशन देख रहे होंगे, ये रेलवे स्टेशन एक समय ऐसा था जहाँ पे आज ये वीरान सा दिख रहा है, एक समय ऐसा था कि ये कभी गुलजार हुआ करता था। ये रेलवे स्टेशन ऐसा है जहाँ पे लगभग 6 से 7 ट्रेन एक दिन में चलती थी, लेकिन आज का ये ऐसा स्थिति है स्टेशन की, यहाँ पे ट्रेन खोजना पड़ता है। कहने का मतलब साफ है कि दिन में लगभग 1 या 1.5 ट्रेनें ही चलती हैं, इसको लेकर के इस जनता के बीच में काफी समस्याओं को झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि कई सारे जो है बच्चे थे जो इससे जो है अपने पढ़ाई के लिए यात्रा करते थे, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है। कई सारे लोग कोर्ट जाते थे, महाराजगंज कोर्ट जाते थे, कई सारे लोग गोरखपुर जाते थे अपने काम से, उनके लिए समस्या खड़ी है। इसके लिए हमारे सामने कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद है, ये बताएंगे किस तरह की समस्या है और क्या कारण है कि रेलवे बंद हो चुका है यहाँ से। देखिए, भारत नेपाल की सुनौली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और उसके 6 किलोमीटर पहले नौतनवा है। नौतनवा में ये पूर्वोत्तर रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन है। यहाँ से नौतनवा विधानसभा से लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, नेपाल के लोग भी इस ट्रेन से इस स्टेशन से यात्रा करते हैं। पहले यहाँ से 9 बजे ट्रेन चलती थी सुबह नौतनवा से गोरखपुर के लिए, वो 11:30 बजे गोरखपुर पहुँचा देती थी। उससे क्षेत्र के जो गरीब मजदूर हैं वो अपनी नौकरी के लिए भी जाते थे, मजदूरी के लिए भी जाते थे। यहाँ के तमाम छात्र ऐसे हैं जो लक्ष्मीपुर आनंद नगर पीपीगंज पढ़ने जाते थे। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, आप सत्ता पक्ष के जो है नेता, वरिष्ठ नेता हैं, और जो आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग को समस्या हो रही है, तो इसका जो आप लोग जिम्मेदार भी है कि जो है ट्रेनें बंद हो गई है, आप लोग के सत्ता में बंद हो गई है, तो क्या कारण है कि यहाँ पे ट्रेनें बंद हो गई है? आपको ये विगत होगा कि जो ट्रेनें चलती थी वो ट्रेनों में सीट नहीं खाली रहती थी, ट्रेनें जो है खचाखच यात्री भरी रहती थी, तो किस आधार पर ट्रेनों को कम कर दिया गया है? देखिये, पहले तो ट्रैक का काम हो रहा था, इधर से ट्रेन को बंद किया गया था, उसके बाद जब से ट्रैक का काम हुआ तब से ट्रेन आज तक लगातार बंद है।
विभिन्न कारणों से लेकर अभी पटरी की समस्या कभी कुछ समस्या के लेकर कारणों से बंद है। इसको लेकर मैंने अभी गत दिनों पूर्वोत्तर रेलवे के DRM लखनऊ को मैंने पत्राचार किया है, भारत सरकार के रेल मिनिस्टर को मैंने पत्राचार किया है, यहाँ तक कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर भेजा है इस ट्रेन की जो समस्याएं को लेकर। और कल इस क्षेत्र के सचिव सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी का आगमन महाराजगंज में हो रहा है, हाउस चल रहा था, कल मैं उनसे मिलूंगा और यहाँ की समस्याओं को रखूंगा। मैं लगातार सड़क से लेके अधिकारियों तक मंत्रालय तक पत्राचार कर रहा हूँ, यहाँ की समस्याओं को अवगत करा रहा हूँ। निश्चित रूप से ट्रेन के बंद होने से जो मिडिल क्लास का आदमी, जो गरीब तबका है, उसको बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी हो रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। आज रोडवेज के सापेक्ष रेलवे का भाड़ा बहुत कम है, जबकि रोडवेज का भाड़ा रोहतरमा से गोरखपुर के लिए लगभग 150 रुपए के आसपास हो गया है। ये गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, इससे लेके मध्यम क्लास के लोग, गरीब आदमी, सारे लोग परेशान है। और इस ट्रेन से सुबह जो ट्रेन 9 बजे जाती थी, उससे यहाँ के व्यापारियों को बहुत फायदा होता था, वो यहाँ जाते थे, मैं व्यापार करते थे, और शाम को 6 बजे गोरखपुर नौतरमा से ट्रेन आती थी। बिल्कुल समस्या भी चलती थी, बिल्कुल समस्या यहाँ पे जो है बनी हुई है, और समस्या आपको दिख भी रही होगी। जो भी लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ जो है नौतरमा नगर के पूर्व चेयरमैन और प्रथम व्यक्ति मौजूद है, ये बिल्कुल भली बातें जो है यहाँ की जन समस्याओं से परिचित है, ये बताएंगे किस प्रकार की समस्या हो रही है और क्या कारण है इसके। आज हम नौतनवा रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि आज सोचना पड़ता है यात्रा किया जाए या न किया जाए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, आप जो है यहाँ जो भी युवा यात्रा करते थे उनके दुख दर्द से भली भांति परिचित है, क्या कहेंगे इसको लेकर के। इससे पूर्व में नौतनवा से कम 6 से 7 ट्रेनें चलती थी, जिससे छात्र छात्राएं, नौजवान रोजगार के लिए भगीरथपुर पढ़ने के लिए छात्र जाते थे, लक्ष्मीपुर पढ़ने के लिए छात्र जाते थे, फरिंदा गोरखपुर तक छात्र पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय में जाया करते थे, और उस समय किराया 25 रुपये हुआ करता था, आज किराया 45 रुपये हो गया है, और ट्रेनें हम लोगों को नकहा तक ही ले जा रही हैं। और सबसे मूलभूत सुविधा छात्रों के लिए यही थी, लेकिन इन ट्रेनों के बंद होने की वजह से छात्र छात्राओं में बहुत ही रोष है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे 5-6 ट्रेनें चलाया जाए, जिससे छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधा दी जा सके, छात्र छात्राएं अपने आवास, अपने कॉलेज जा सके, हॉस्पिटल जहाँ जॉब करते हैं वहाँ जा सके, विश्वविद्यालय में पढ़ने जा सके, बस यही। बिल्कुल भाई साहब, जो है कुछ यात्रीगण हैं, कुछ यात्रीगण इन लोगों से बात करेंगे कि जो पहले लोग यात्रा करते थे लेकिन अभी ये ट्रेनें कम हो गई है, इन ट्रेनों के लिए कितनी समस्या हो रही है। सर कहाँ से आप हैं? हम तो बनारस से हैं सर। बनारस से हैं, तो ट्रेन से पहले भी यात्रा करते रहे या फिर जो है कभी कभी आते हैं? कभी कभी यात्रा। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो नीचे तबके के हैं लोग हैं वो समस्याओं से पीड़ित हैं, हम जो लोकल के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, आइए जानते हैं जो लोग टिकट के लिए लाइन में खड़े हैं उनसे भी जानेंगे कि जो यहाँ पे जो ट्रेनें चलती थी, जो पहले जो ट्रेनें थी, ट्रेन पहले की अपेक्षा काफी कम हो गई है, उनसे भी जानेंगे। कुछ लोकल के लोग हैं, चाचा जी कहाँ से हैं आप? गोरखपुर है, गोरखपुर कर रहे हैं। बिल्कुल, नौतनवा के लोग यहाँ पे कहाँ पे कर रहे हैं सर, कहाँ के हैं? नौतनवा से हैं आप? आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि जो पहले ट्रेनें चलती थी, 6-7 ट्रेनें चलती थी, अभी ट्रेन कम करके 1 या 2 ट्रेन कर दी गई है, तो इस वजह से कितनी समस्याएं यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। ट्रेन फर्स्ट टाइम आया तुम? बिल्कुल, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलने से बच रहे हैं जो है। कहाँ घर है बहू आपका? हमारा बरगदवा बाजार। बरगदवा बाजार, तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? हम गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। तो आप पढ़ते हैं तो काफी जो है काफी बार आपको अप डाउन करना होता है, ट्रेन की समस्या हो रही है? नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। पहले जो है काफी, पहले कितने ट्रेनें थी, अब कितनी ट्रेन हो गई है? पहले 2-4 ट्रेनें थी, अब खाली 1-2 ट्रेन चलती है, तो इससे समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा सामना। क्या कहेंगे जो है जो ट्रेन बंद हो चुकी है, उसके लिए तो हम सरकार से क्या मांग करते हैं? ट्रेनें बढ़ा दिया जाए, फिर चल जा रहा है काम? नहीं, ट्रेनें बढ़ानी चाहिए, ट्रेन बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहने से कतरा रहे हैं कि जो है अब क्या उनकी समस्या है, कहने से कतरा रहे हैं। समस्या तो यहाँ पे साफ देखी जा रही थी, जहाँ पे लोग 6-7 ट्रेन जाती थी और ये ट्रेन जो है खचाखच भरी रहती थी, लेकिन आज 1-2 ट्रेन कहने से समस्या दिख रही है। बताइए सर, क्या ट्रेन जो कम हो गई है उससे कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बहुत हो रही है। कितना समस्या है सर? बहुत समस्या। अच्छा, अगर ट्रेन बढ़ जाए तो जो है क्या यात्री रहेंगे इसमें? बहुत यात्री यात्री रहेंगे। हाँ। तो ट्रेन जो कम हुई है क्या उसका क्या बढ़ा जाए? बहुत दिक्कत है बाबू, बहुत दिक्कत है। हाँ।
बिल्कुल आप देख सकते हैं जो जिस तरह से यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन का ये आरक्षण केंद्र है और यहाँ पे जो है जनरल टिकटें मिलती है और किस तरह से यहाँ पे भीड़ खचाखच भरी है। कहने का मतलब साफ है कि अगर ट्रेन है तो यात्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन किस वजह से यहाँ पे ट्रेनों को कम कर दिया गया है ये आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि लोग हैं ये अभी ज्ञापन देंगे और ट्रेन को चालू कराने की उच्चाधिकारियों से मांग करेंगे। आप लोग नतुना रेलवे स्टेशन मौजूद है, नतुना में पहले जो काफी ट्रेनें चलती थी अभी ट्रेनें जो है काट करके कुछ कम ट्रेनें कम कर दी गई हैं, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही है आपको? ये समस्याएं तो बहुत हैं, नतुना को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का दर्जा प्राप्त है लेकिन यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ के हमारे मंत्री जी हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो कि बने हुए हैं महाराजगंज से, हम लोगों की आशाएं जुड़ी थी कि वो मंत्री बने हैं तो उनके कार्यकाल में और भी ट्रेनों का विस्तार होगा, लेकिन जब से वो मंत्री बने हैं तो उनके कार्यकाल में ट्रेनें घट गई हैं। ट्रेन ही नहीं है, जब व्यापारियों को जो आवश्यकता है ट्रेनों की वो ट्रेनें घटा दी गई हैं। ट्रेन जो कम हुई है उन ट्रेनों को दोबारा चलाने के लिए आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं चालू हो जाए और क्या, अब वापसी में कोई गोरखपुर से 500 रुपये मांगता है। अच्छा, अगर हम एक मैसेज रूप से आपसे पूछे कि आप अभी जनप्रतिनिधि से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही है कि ट्रेन चलाएं। आप देख रहे हैं DBS News।